The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, तो आप कैसे एक्सरसाइज करें, क्या प्रिकॉशंस लें कि आपकी कहीं शुगर लो ना हो जाए, और क्या होती है क्या शुगर लो, रिस्क क्या होते हैं इसमें, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज कैसे आपका हेल्प करती है, एक्सरसाइज से रिस्क क्या होता है, मिनिमम एक्सरसाइज कितनी रिकमेंडेड है, और शुगर की टेस्ट करनी है नहीं करनी है, प्री शुगर लेवल एक्सरसाइज से पहले शुगर कितनी होनी चाहिए, पोस्ट वर्कआउट शुगर लेवल कितना होना चाहिए, प्री वर्कआउट शुगर लेवल कितना होना चाहिए, और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। सो ये ध्यान रखेंगे, आज इसके बारे में बातचीत करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ एक्सरसाइज हेल्प। सीखो, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में क्रूशियल कंपोनेंट है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज से आपकी शुगर लेवल्स बेहतर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, ओवरऑल आपकी फिटनेस लेवल बढ़ेगी, आप अपना वज़न कम कर पाएंगे, और वज़न एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे आपका शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क आप अपना कम कर पाते हैं। अब एक्सरसाइज का रिस्क क्या होता है डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ एंड एक्सरसाइज दोनों में एक यूनिक चैलेंज है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना पड़े, ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी जो है अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे और शुगर एकदम फ्लक्चुएट करने लगे। कई लोगों में ऐसा होगा, कईयों में नहीं भी होगा। सो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कहाँ पर इशू आएगा, और मिनिमम कितना एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। माना जाता है मेडिकल फील्ड में कि अगर हफ्ते भर में आप 150 मिनट आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि फास्ट वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी चीज़ें आपके एक मिनिमम एक्सरसाइज में आती हैं, रनिंग जॉगिंग की बात नहीं, ब्रिस्क वॉक, ठीक है, सिर्फ 150 मिनट हफ्ते में, एक हफ्ते में 150 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या आपको शुगर लेवल्स चेक करनी चाहिए एक्सरसाइज से पहले, खासकर अगर आप इंसुलिन लेते हैं, अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग कैसे भी हों, बूढ़े हों या जवान हों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट पहले आपको शुगर चेक करनी है, हाफ एन आवर या 15 मिनट पहले 60 मिनट एक्सरसाइज आप डेली करिए, ये बोला जाता है बच्चों के लिए। बुजुर्गों के लिए वो 30 मिनट्स आ जाएगा, बिकॉज उनको हफ्ते में ये करनी होगी। सो बच्चों का रिकमेंडेशन 60 मिनट्स, मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी, इवन जिनको डायबिटीज टाइप 1 है वो भी, और शुगर लेवल इंसुलिन लेने वाले लोगों को 15 से आधे घंटे पहले चेक करनी है। और अगर आप अपनी शुगर दवा नहीं खाते हैं, अगर आप शुगर नहीं खाते हैं, तब आपको हो सकता है कि एक्सरसाइज करने से पहले कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेना, बिकॉज आप दवाई नहीं खाते, आपकी डायबिटीज़ मेडिकली मैनेज नहीं है, आपकी डायबिटीज़ डाइट से मैनेज है, तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। या आप अगर दवाई खाते हैं हल्की फुल्की, तब भी आप हमेशा डेली, लेकिन इंसुलिन लेने वाले बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका शुगर लेवल, प्री वर्कआउट शुगर लेवल इंसुलिन लेने वालों का 100 से कम है, 100 mg/dL या 5.6 mmol/L, ये बाहर के कंट्रीज़ में मिनीमोल्स चलता है, इंडिया में 100 mg/dL चलता है। तो अगर आपका शुगर 100 से कम है, तो दैट मीन्स एक्सरसाइज करना आपके लिए उस समय बिना खाए पिए सेफ नहीं है। ऐसे में आप कुछ शुगरी चीज़ खाओ, 15 से 30 ग्राम कार्ब्स खा लो, कोई फ्रूट खा लो, कोई ग्लूकोज ले लो, कुछ ले लो, प्री वर्कआउट जैसा आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हो उसमें, या कोई गैटोरेट जैसी कोई ड्रिंक लेके फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके शुगर लेवल कितने। प्री वर्कआउट शुगर अगर आपकी 100 से 250 के बीच में है, ठीक है, यानी 5.6 से 13.9 mmol/L, देन यू आर गुड, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी शुगर सही रेंज में, एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट है। और वैसे ही सुबह सुबह जो लोग खाली पेट निकल जाते हैं एक्सरसाइज करने, उनके और डायबिटिक हैं, तब भी उनके लिए भी अगर उनकी शुगर 100 से 200 के बीच में है, तो एक्सरसाइज बेटर है, खाली पेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी शुगर आ रही 80, तो स्नैक्स खा के एक्सरसाइज करें, ज़्यादा अच्छा, इवन इफ अगर आप दवाई लेते हैं, शुगर की गोली खाते हैं। प्री वर्कआउट शुगर लेवल अगर आपका 250 से ऊपर है, 13.9 mmol से ऊपर है, दैट मीन्स ये डेंजरस है, शुगर आपकी बहुत हाई है, और ऐसे हाई में आपकी बॉडी जो है कीटोन्स बनाती है, आपकी बॉडी कीटोन्स बनाएगी, ऐसे में कई बार आपको कीटो एसिडोसिस का रिस्क होता है। तो ऐसे केस में आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज करने से पहले कीटोन्स का चेकअप करना चाहिए। एक्सरसाइज कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, लेकिन फिर भी एक कीटोन्स का ध्यान आपको रखना चाहिए।
उसके बाद बात आती है एक्सरसाइज के दौरान प्रिकॉशंस। अल्टीमेटली क्या होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट के खून में शुगर घूमती रहती है, खून से सेल्स के अंदर नहीं जाती है। सेल्स का काम है शुगर लेके एनर्जी बना के आपको दौड़ाना फिराना। अगर शुगर नहीं जाएगी सेल के अंदर तो शुगर तो सेल क्या करेंगे, वो बॉडी से फैट से एनर्जी यूज करेंगे। शुगर खून में पड़ी पड़ी आपके बीमारियां करेंगी, दूसरी हाई शुगर लेवल करेगी कि आपकी किडनी, आपका हार्ट की खून की नसें, सारी बॉडी की खून की नसें, आंखें, आपका वो सब खराब करेंगी। और जो सेल्स हैं गरीब वो भूखे रहेंगे तो वो फैट का इस्तेमाल करेंगे, और कीटोन बॉडीज फैट के इस्तेमाल की वजह से बनते हैं। जितना ज़्यादा फैट का इस्तेमाल होगा उतना कीटोन्स बनेगा। तो जितनी हैवी एक्सरसाइज आप करोगे ऐसे लेवल पे जब आपकी शुगर लो है उतना कीटो एसिडोसिस कीटोन बॉडीज बनेंगे। कुछ लेवल पर कीटोन बॉडीज आपकी बॉडी को हार्म नहीं करते, इसलिए कीटो डाइट लोड करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशन रखना जरूरी है, डेंजरस नहीं है, प्रिकॉशन नॉलेज होना जरूरी है कि आपकी कीटो एसिडोसिस यानी यूरिन में कीटोन कितने लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यूरिन फॉर कीटोन्स के स्ट्रिप्स भी आते हैं और ब्लड टेस्ट लैब टेस्ट में भी आप यूरिन फॉर कीटोन टेस्ट कर सकते हैं। सो आप रेगुलरली अगर खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं और आपको डायबिटीज हैं तो यूरिन कीटोन्स आप चेक करा सकते हैं, ध्यान रखें। सो चेक योर शुगर हमेशा। अगर आप एक्सरसाइज लंबी कर रहे हैं तो लंबी एक्सरसाइज के दौरान आप रुक कर एक्सरसाइज के दौरान अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, खासकर अगर आप इंसुलिन लेते हैं। विगरस एक्सरसाइज है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल रहे हैं, धूप है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आपकी शुगर जल्दी जल्दी कम हो, तो रुक के एक सेकंड फट से अपनी शुगर चेक कर लो। अगर आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है तो फिर वो डेंजरस है, आपको वीकनेस फील हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं, तो ऐसे में आपको शुगर लेवल लेना पड़ेगा, शुगर टैबलेट खानी पड़ेगी, कुछ और शुगरी चीज लेनी पड़ेगी। सो डबल चेक करना पड़ सकता है। अगर आपकी शुगर लेवल अभी कम हुई थी और फिर आपने कुछ खाया है तो 15 बाद फिर चेक करनी पड़ जाएगी। सो ऐसे केसेस में डेंजरस चीज तभी आती है जब आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या फिर आपकी शुगर जो है ऑलरेडी बहुत लो रहती है और आप दवा कम नहीं कर रहे, तो शुगर चेक करना एक बहुत जरूरी होता है। एज लॉन्ग एज जितना नीड रहे उतना चेक करें, रेगुलर बेसिस पे कोई करता नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। दीज आर द रिकमेंडेशंस, खासकर इंसुलिन डिपेंडेंट लोग करते हैं। और जैसे ही आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं तब भी आपको अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए कि भाई अब मेरे पूरे दिन भर के लिए शुगर रिजर्व रह गया कि नहीं रह गया, मेरी मसल मेरे लिवर के अंदर कुछ है एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ शुगर है कि नहीं है कि मैं खाऊं। ठीक है, नहीं तो आप खाना खाओ, नहीं तो आप अपना बोलो, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, सो टेक अ नोट। बेसिकली स्ट्रेनस वर्कआउट आप करते हैं तो आपकी शुगर लो हो सकती है, आपकी शुगर लो पे आप एक्सरसाइज करते हैं तो कीटोन बॉडीज बन सकती हैं, कीटोन बॉडी से कीटो एसिडोसिस होने का रिस्क होता है। थोड़े बहुत लेवल पे हर चीज़ सेफ होती है, एक हाथ से बाहर जाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, खासकर अगर आप इंसुलिन लेते हैं। शुगर लेवल लो चाहे एक्सरसाइज से पहले हो, एक्सरसाइज के दौरान हो, एक्सरसाइज के बाद हो, आप कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्नैक ले सकते हैं, कोई फ्रूट, कोई क्रैकर, कोई ग्लूकोज की बिस्किट, कोई ग्लूकोज का पाउडर। और एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज के बिना आपकी शुगर प्रॉपर कंट्रोल में आएगी नहीं, और एक्सरसाइज करने बहुत ज़्यादा अति मात्रा में बिना सोचे समझे करने से हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लो होने का रिस्क होता है। सो आई होप आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। सो अपनी एक्सरसाइज 150 मिनट ज़रूर पूरा करिए और बच्चों को 60 मिनट एवरी डे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।